हम लोग अब प्रेस्टा शॉप को इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करेंगे यानी अब, अब प्रेस्टा शॉप को हम दो वर्जन में डाउनलोड करेंगे एक हम लोकल यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करेंगे और फिर उसको हम कॉन्फिगर करके देखते हैं दैन विल मेक श्योर कि वो आपके लोकल पीसी पे सक्सेसफुली रन हो जाए तो उसके लिए हमें वेबसाइट पर जाना पड़ेगा वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ तो इसके लिए जो आप लोगों ने ऑलरेडी जैप इंस्टॉल किया हुआ है वही हम यूज करेंगे अगर आपका जैम्प सक्सेसफुली चल रहा है तो आपको उसके अलावा कोई और नई चीज इंस्टॉल नहीं करनी इट इज़ वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन ये बिल्कुल मेजेंटो की तरह क्लिक क्लिक से है जहां पे जरूरत पड़ेगी जैम्प के ऊपर जाने की आई लेट यू नो सो नाउ स्टूडेंट्स प्रेस्टा शॉप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है प्रेस्टर शॉप डॉट कॉम स्लैश ई एन स्लैश डाउनलोड यहाँ पे आपको प्रेस्टा शॉप का लेटेस्ट वर्जन जो वन पॉइंट सेवन है वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने का तरीका बड़ा आसान है सिर्फ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट नाव पे तो इट विल स्टार्ट आपसे वो यूज़र में पैसों पूछेगा और आप डाउनलोड नाव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मैंने क्योंकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है अपने पास तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैम पे गए और उसके बाद ये मेरे पास इसका डाउनलोड वर्जन पड़ा हुआ है आप जहाँ मदी डाउनलोड कर लें इसको आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाए वंस यू हैव डाउनलोडेड इट तो फिर आपने उसको जहाँ पे भी आपका जैम्प इंस्टॉल है मेरे केस में सी में इंस्टॉल्ड है सी में आप जैम्प के फोल्डर में जाएंगे वहां पर जाने के बाद आप एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाएंगे उसके बाद आप एक प्रेसर शॉप का फोल्डर बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और वहाँ पे आके आप जो आपने आपकी जो जिप फाइल थी वो यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे आके आप अनजिप करेंगे तो आपकी जो शॉप है वो आपका इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी अनजिप हो जाएगा दिस इज स्टेप नंबर वन जैसे ही आपका अनजिप हो जाएगा तो आपके पास इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन आएगी जो कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है मतलब लोकल होस्ट में आप जाएंगे और आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश शॉप और एंटर कर देंगे यू विल एंड अप विद दिस स्क्रीन अब इसके आगे कुछ भी नहीं है सिंपल क्लिक एंड ड्रैग है और कुछ नहीं है जैसे ये स्क्रीन आएगी इसके ऊपर अब ये अब ये लोड होगा जब लोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपने आगे क्लिक करना है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी सबसे पहला आपने लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है मैंने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रखी हुई है उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा दिस वुड बी योर सेकेंड स्क्रीन इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करेगा अच्छा अब यहां पे एक बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है अगर जैम्प आपका सक्सेसफुली चल रहा है लोकल होस्ट पे तो यहां पे कोई इशू नहीं आएगा यहां पे अगर आपको ये मैसेज आ जाता है कि प्रेसरा शॉप कंपेटिबिलिटी विद योर सिस्टम एनवायरमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड तो इसमें कोई इशू नहीं है इसका मतलब है कि जो पी का वर्जन प्रेसरा शॉप को चाहिए है और जो पी का वर्जन आपके पीसी पे इंस्टॉल्ड है दोनों सेम है अच्छा यहाँ पे एक एक छोटा सा पॉइंट है ये मैं अब विंडोज स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ अगर आपके पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये मेरे केस में एक एक, एक छोटी सी वार्निंग दिखा रहा है कि जी सेटिंग रियल पाथ अंडर स्कोर कैशे बलाबला ये कुछ भी नहीं है ये सिर्फ इंप्रूवमेंट्स है ये आपको सजेशन दे रहा है आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं करना जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यानी शॉप का नाम रखें मैंने फॉर एग्जाम्पल जंकी से स्टोर रख दिया है मेन एक्टिविटी रख दें मैंने एड आर्ट एंड कल्चर रख दिया आप डॉट डॉम में कुछ और सेलेक्ट कर लें योर अकाउंट इसको जरा आपने अपने पास लिख लीजिएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई मेल एड्रेस क्योंकि आपको ये ई मेल एड्रेस के जरिए ही लॉग इन होना पड़ता है एज अ एडमिन उसके बाद आपका शॉप का पासवर्ड है और आपने मुझे पासवर्ड रिकन्नफर्म करना है ये बेसिकली आपका एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है अगर ये यूजर नेम पासवर्ड आप मिस आउट कर देंगे या आप भूल जाएंगे तो आप इस पोर्टल के ऊपर यानी जो आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं आप लॉग नहीं कर पाएंगे तो अमूमन इसका तरीका ये होता है कि या तो आप ये एक अलग से नोट में लिख लें मैं अमूमन अलग से नोट में लिख लेता हूँ या अब क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड है तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है तो आप इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो अलग से कहीं नोट डाउन कर लें उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपके डेटाबेस की आपके पास फाइल्स आ जाएंगी सिंपल माई एस्ल में जाके या लोकल होस पे जाके पी एच ई माई एडमिन पे ऊपर आप एक डाटा बेस क्रिएट करें ये प्रेसर शॉप वेब के नाम का या जो भी आपने क्रिएट करना है जो भी नाम रख लें यहाँ पर डेटाबेस के नाम में वो मेंशन कर दें उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो इट विल एक्चुअली स्टार्ट इंस्टॉलेशन अभी हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे अब जब आपके सारी चीज़ें यानी सारे स्टेप्स सक्सेसफुली हो जाएंगे और उसकी इंडिकेशन ये होती है कि आपके पास हर स्टेप के सामने यहाँ पे टिक का साइन आ रहा होगा दिस शोज कि आपकी प्री इंस्टॉलेशन चीज़ें हैं वो सक्सेसफुली हो गई हैं उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर आपके पास योर इंस्टॉलेशन इज़ फिनिश्ड ये आपके पास अगर विंडो आ जाती है इसका मतलब है कि आपने प्रेस्टा शॉप का वर्जन 1.7 अपने लोकल पीसी के ऊपर सक्सेसफुल इंस्टॉल आपने कर लिया